डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया है उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते। हमने देश की करोड़ों महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजारों करोड़ रुपए उनके यहां पहुंचा दिए, उनको जीने की कोई तकलीफ नहीं होने दी। वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से हमने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कोविड वैक्सीनेशन और कोविड रिलीफ प्रोग्राम चलाया। आरोग्य सेतु और कोविन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज, उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन रह गया, कहां रह गया, उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टारगेटेड व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम कर पा रहे हैं। दुनिया में आज भी चर्चा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे लेना, कई दिन निकल जाते हैं। हिंदुस्तान में वो वैक्सीन लगा करके बाहर निकलता है, उसके मोबाइल फोन पर सर्टिफिकेट मौजूद होता है। दुनिया कोविन के द्वारा वैक्सीनेशन का डिटेल सर्टिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है। हिंदुस्तान में कुछ लोग, उनका कांटा इसी बात पर अटक गया जिस पर मोदी की फोटो क्यों है। इतना बड़ा खाब, उनका दुबाग वही अटक गया।